आपने एग्जैक्टली 10 मिनट का ब्रेक दिया था, सिर्फ 10 मिनट. What? यू गेव अस एग्जैक्ट 10 मिनट ब्रेक, जस्ट 10 मिनट. आप टाइम कर रहे थे कि हाँ बस अब शुरू करूंगा मैं क्लास. यार यू नो आई एम लाइक टू पंक्चुअल फॉर द टाइमिंग्स. आई यूज्ड टू स्टेप इनटू द क्लास राइट बिफोर योर नेक्स्ट क्लास वाज टू स्टार्ट, बस उसके एग्जैक्ट टाइमिंग पे मैं आ जाता. रिमाइंड मी ऑफ सर अब्बास. व्हाट? नथिंग सर, क्लासमेट समझ रहे हैं. नहीं, इनसाइड जोक तो बता दे कोई. आई हर्ड समथिंग सच एज सर अब्बास. बूम, इट्स गॉन सर, फॉरगेट अबाउट इट, क्लास शुरू करें. अच्छा ये बाकी सारे लोग तो आ जाए, फिर स्टार्ट कर लेते हैं. अभी कौन रह गया? मुशाम रह गई और उमर रह गया और कौन रह गया, वो रह गए, क्या नाम है इनका? अच्छा अजमीर तो आ गए ना, सही है. मुशाम रह गई और शांजे रह गई. शांजे शांजे कहाँ रह गई? शांजे कहाँ रह गई है? कोई शांजे को जल्दी से बुला दे और कोई मुशाम को जल्दी से बुला दे, देन आई स्टार्ट. अच्छा वरीशा भी आ गई. अभी अगर बीच में कोई बिल्ली बिल्ली आ जाए तो थोड़ा माइंड नहीं कीजिएगा भाई, क्योंकि अभी ये घूम रही है इधर ही. ठीक है, बस दुआ ये कीजिएगा कि बस ये लैपटॉप कुछ तोड़ ताड़ ना दे. बाकी खैर है, बाकी तो क्लास चलती रहेगी. अच्छा और कौन रह गया जल्दी से बता दो भाई. मुशाम रह गई, वरीशा और कौन रह गया भाई? सर शांजे, एहसन. हाँ एहसन, शांजे कहाँ रह गए? ये कहाँ की? मैं जब कहा कि भाई आ जाओ क्लास में, और मैं ग्रुप पे भी डाल दिया O3 ऑफिशियल ग्रुप पे, कोई नहीं सुनता सर की. बेचारे सर कब से बोल रहे हैं, बिल्ली सुनती सर की. जल्दी से आ जाओ भाई, जल्दी से आ जाओ जी. शैलम क्या कहेंगे आप? हाउ आर यू शैलम? शैलम आप चैट भी बता सकते हैं, हाउ आर यू इफ यू आर नॉट एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द क्लास. शैलम कैसे हैं आप? शैलम शैलम आप जिंदा हैं? शैलम हेलो शैलम, शैलम भाईजान, हेलो शैलम. चलें खैर. अच्छा ये बताइए कि क्या कहते हैं, एवरीवन जस्ट टेल मी दिस, आपकी जो ट्यूसडे का जो मेरे साथ क्लास की टाइमिंग्स है. हेलो पीपल. यस सर. आपकी ट्यूसडे जो मेरे साथ क्लास की टाइमिंग्स हैं वो सिर्फ एक क्लास है, एंड आई थिंक वन क्लास इज इनसफिशिएंट फॉर टेक कंडक्टिंग लाइक क्लासेस राइट? यस यस. क्लास में तो सिर्फ इंट्रोडक्शन और वो थोड़े बहुत क्वेश्चंस हो रहे होते हैं. मुझे आप लोगों की फुल फ्लेज क्लासेस लेनी पड़ेंगी, बिकॉज एज यू नो आई हैव टू मेक श्योर दैट आई कंप्लीट द सिलेबस ऑन टाइम, विच आई एम एक्सपर्ट इन. सही है, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझना जरूरी है और आप लोग क्लासेस का इस तरह से अलाइन होना जरूरी है. सही है. सो आई हैड अ वर्ड विद मिस सुग्रा, शी वाज सेइंग के वी कैन नॉट चेंज द टाइमिंग्स. सही है, वो ट्यूसडे वाली. तो व्हाट आई सजेस्टेड हर के हम मैथ्स की क्लास फ्राइडे को 3 रख लेते हैं. सही है. सो इज इट पॉसिबल फॉर एवरी वन ऑफ यू टू कंडक्ट 3 क्लासेस इन अ रो? इट्स पॉसिबल. एवरी फ्राइडे आप यही टाइमिंग्स रख सकते हैं. यही टाइमिंग्स? जी नहीं, यही टाइमिंग नहीं हो सकती. बस ये है कि वो जो आपकी लास्ट टू क्लासेस हैं उसके साथ में थर्ड क्लास अरेंज कर लूं और वहां से ट्यूसडे क्लास को हम उसमें कॉम्पेंसेट कर लें.
इज दैट फाइन विद ऑल ऑफ यू? क्योंकि देखो मुझे जो पर्सनली मेरी जो ओपिनियन है, देखो मैं क्लास रखने में मुझे कोई मसला नहीं है, मैं एक क्लास में आपको हेलो हाय करा के दो चार सवाल करा के मैं क्लास एंड भी कर सकता हूँ. लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, व्हाट आई एम लाइक रिलीजियसली ट्राइंग टू फॉलो इज कि आई मेक श्योर दैट आई गिव यू इनफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कंटेंट इन वन क्लास और टू क्लासेस और कंसेक्यूटिवली थ्री क्लासेस दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू फॉर द रेस्ट ऑफ द वीकेंड, राइट? और उस वीकेंड में आप क्वेश्चंस वगैरह करो, जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हो तो आपको पता है कि मुझे 3 to 4 PM आपने कंसल्टेशन आवर्स है मेरे, सही है? यू कैन कंसल्ट मी इन दैट पीरियड ऑफ टाइम, सही? और देखो मैं जो हूँ टॉपिक्स वाइज लेके चल रहा हूँ, तो आई एम नॉट बेसिकली ट्राइंग टू कवर द बुक्स एंड द चैप्टर्स, बेसिकली आई एम ट्राइंग टू कवर द टॉपिक्स एंड देयर सब टॉपिक्स. ये बात समझ में आई जी? बाकी लोगों को समझ में आई जी? नहीं, बाकी हम के अलावा बाकी लोगों को समझ में आई? अजमीर आपके समझ में जी सर? फायजा आपके समझ में आई जी सर? वरीशा आपके समझ में आई? मलाइका आपकी समझ में आई? yes. अच्छा आपकी समझ में क्या आया मलाइका? आपकी समझ में क्या आया मलाइका? क्या आपने भी कहा ना वो समझ में आ गया. ओके ठीक है, चले ठीक है. तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि देखिए मैं ट्यूसडे की क्लास को मैं फ्राइडे के अंदर कॉम्पेंसेट कर लूँ या एक तरह से स्विच कर लूँ. Is that fine with all of you? Yes, yes of course. Okay, ठीक है. अजमीर आपका भी ओके है उस पे? क्योंकि देखो एक क्लास में मुझे जहां तक लगता है कि वो थोड़ा सा नाइंसाफी हो रही है आप लोग साथ, कि मैं बता देता हूं आपको, समझाऊं और बोलूं देखो ये है. बहुत नाइंसाफी हो रही है. सर फ्राइडे को हमारा ना फर्स्ट क्लास फ्री होती है, तो आप उसमें एडजस्ट कर लो. जी क्या कह रहे हैं आप? नहीं 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 नहीं, फ्राइडे को हमारी सर एक क्लास जो होती है ना पहली 10 to 10:45 तक वो फ्री होती है. बेटा वो जो है मेरा वो ओवन के साथ है क्लास, उसमें सर ओवन को छोड़े सर आप. नहीं सर वो वाला नहीं लीजिएगा प्लीज. हाँ हाँ वो तो मैं खुद नहीं लूंगा. और अपेरेंटली ओवन के साथ आज भी अभी क्लास होनी थी, वही कॉम्पेंसेटरी ना कि आज जैसे मैंने आप लोग क्लास रख रहा हूँ कॉम्पेंसेटरी, तो वो वाली क्लास भी मैंने रखनी थी ओवन के साथ. लेकिन चलो फिर भी अब ओवन्स की क्लास जो है वो अभी नहीं हो रही, पता नहीं क्यों नहीं हो रही. मैंने हालांकि उनके ग्रुप में मैसेज कर दिया कि आप लोग जरा स्टूडेंट्स सबसे कोऑर्डिनेट करके एक टाइम बता दो, आज मैं क्लास रखता हूँ कॉम्पेंसेटरी, बट दे डिडंट रिस्पॉन्ड. सही है? तो अपेरेंटली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज के आपकी ट्यूसडे वाली क्लास को मैं शिफ्ट कर दूँ फ्राइडे को, ये बता दो भाई खुदा के वास्ते. कोई टाइमिंग्स क्या होंगी बेटा? मान लो जो 3 कंसेक्यूटिव क्लासेस हैं वही हो जाएंगी. आखिर वाली क्लास में थोड़ा छोटा कर लूंगा, एक तरह से ये कर लो छोटा, इन सेंस कि मैं 45 मिनट से बियॉन्ड नहीं जाऊंगा, मैं 30 सर हमारी दो सर यही टाइम रख देना दोपहर का. बेटा दोपहर का नहीं रख सकते, मतलब ये स्कूल है, मतलब आई हैव टू फॉलो स्कूल टाइमिंग्स. सो प्लीज ना सर इस वक्त रख लें. सर सुबह नहीं होता, सर सुबह उठना बहुत मुश्किल होता है. यस बस 11 बजे उठवा रहा हूं मैं आपको, मतलब और मैं भी नहीं उठवा रहा, ये स्कूल का टाइम टेबल है सर. प्लीज ना देखो आई स्लीप एट 6 एंड आई देन वेक अप एट लाइक 9:30. वी स्लीप एट 7 एंड वी वेक अप एट 9 एवरी डे काइंड ऑफ. या लेजेंड्स डोंट इवन स्लीप जी. लेजेंड्स लाइक सम महान पीपल यू नो सर, दे डोंट इवन स्लीप. लाइक वी हैव अ महान पर्सन इन आवर क्लास राइट नाउ. या हु डजंट स्लीप? ओह यस या ही हैज दैट इंसोमिया थिंगी विद हिम. मखलूक है. Let's start out with the class now. सही है? नहीं नहीं सर आराम से रुक गए अभी. हाँ सर इसमें की बात मान लेते हैं ना, बोल रहा है वो बेचारा. क्या बोल रहे हैं वो? और रुक जाते हैं ना थोड़ा और रुक जाते हैं. अच्छा मतलब किस रुकेंगे अभी? और जब इतना रुक गए तो थोड़ा और रुक जाते. अच्छा
अच्छा देखो अब जो है एस्टिमेटिंग के ऊपर आ जाए थोड़ा सा। आ जाए सर। मुशाम इज जॉइंड इन। अच्छा जरा हम एस्टिमेशन पे आ जाते हैं जल्दी से। ये पढ़ लो एस्टिमेशन क्या होता है जल्दी से जल्दी फौरन भागते हुए दौड़ते हुए जल्दी 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 से ये क्वेश्चन पढ़े ये स्टेटमेंट्स पढ़े पूरी उसको आप जो है नीचे वाली एग्जांपल है वो भी समझा देता हूँ मैं वो करें सही है। देखो आपको मैं इसलिए सब कुछ करवा रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू गेट थ्रू एवरी डे मैथमेटिक्स एज सून एज पॉसिबल ताकि हम फिर दूसरे टॉपिक्स को जल्दी जल्दी से स्टार्ट करके हम अपना 60% ऑफ द कोर्स बाय द एंड ऑफ दिस मंथ और द नेक्स्ट मंथ हम कवर अप कर लें ताकि जो हमारे मेजर टॉपिक्स रह जाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया सही है सर्कल प्रॉपर्टीज हो गया। मैंने बेसिकली इस टर्म में आपको सर्कल प्रॉपर्टीज पढ़ाना था लेकिन सिंस यू गाइज वर लाइक माशाल्लाह इन योर मैथ्स रिविजन तो आई वॉज के अभी पहले मैथ्स रिविजन कराते हैं इंस्टेड ऑफ जम्पिंग possibly is not going to make sense sahi hai pad liya sir ye pad liya ab zara iske fatafat niche wali example pe aa jao ye wali pe jaldi dekho bol ye raha hai ki I have to estimate the answer of this acha jab estimate ki baat karta hai you do not need to use calculator aapko calculator use karna nahi hai use kar lenge to gunah kabhi rahe kyunki ye aapka p1 ka question hai sahi hai। यहाँ तक बात समझ में आ गई जी। अब देखो वो बोल रहा है कि एस्टिमेट कर लो इसका आंसर तो 8.21 को मैं राउंड ऑफ कर सकता हूँ 8 पे। क्यों कर सकता हूँ क्योंकि 8.2 है अगर ये 5 या 5 से बड़ा होता तो मैं इसको 9 लिख लेता अभी ये 5 से छोटा है तो मैं इसको 8 अज्यूम कर रहा हूँ राइट। यस सर। और नीचे वाला जो है वो 3.97 है दैट्स गोइंग राउंड ऑफ टू 4 जो बराबर वाला मल्टीप्लाई है दैट्स गोइंग राउंड ऑफ टू 30 सही है। 30 पे क्यों जाएगा 32 पे नहीं जाएगा। अब देखो इसने टू द नियरेस्ट 10th वाली बात करी है और वन सिग्निफिकेंट फिगर वाली बात करी है इसने पर कहीं पे मेंशन नहीं है राउंड इट ऑफ टू द नियरेस्ट 10 इट शुड बी 32 लाइक अकॉर्डिंग टू दैट। देखो इसने लिखा हुआ है राउंड ऑफ ईच नंबर टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। वन सिग्निफिकेंट फिगर इन द 10th वाली टर्म इज इक्वल्स टू के 10th तक राउंड ऑफ करो। सर अभी आपने ऊपर बोला कि 8.2 है अगर 8.5 होता तो 9 लिखते तो यहां पे 31.5 जी मैं समझ गया। देखो देखो मैं बोल रहा हूं वन सिग्निफिकेंट फिगर देखो ये लिखा हुआ है ना वन सिग्निफिकेंट फिगर इसका मतलब ये होता है कि एक नंबर तक मैं गिन लूं सही है इसके बाद देखो ये 8 तक मैं गिन लूं 8 हो गया एक सिग्निफिकेंट फिगर उसके बाद जो 0.2 है वो 2 को मैं चेक कर रहा हूं कि वो 5 से बड़ा है या छोटा है सही है ये बात समझ में आई जी सर। आई आई सिमिलरली 9 को देखो 3 को देखो तो 3 तक मैं गिन रहा हूँ उसके बाद 9 को मैं देख रहा हूँ कि अच्छा वो 5 से बड़ा है उसको 1 कर दो सही है तो ये हो जाएगा 4। सिमिलरली 31 के अंदर मैं सिर्फ 3 को देख रहा हूँ आई एम नॉट लुकिंग एट 31 क्योंकि एक सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ और सिर्फ 3 है ये बात समझ में आई जी सर। तो आपको 3 के बाद मैं 1 देख रहा हूँ कि 1 छोटा है तो मैं उसको 30 लिख दूंगा दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू। सर आपकी आवाज गायब हो गई बीच में। अच्छा मैं कह रहा हूँ एक सेकेंड आई शुड स्टार्ट ऑफ विद माय डेटा अगेन। यस यस ओ डेटा अब आवाज आ रही है। जोंग का पैकेज अब आवाज आ रही है जी सर आ रही है। हाँ तो देखो मैं बोल रहा हूँ जो वन सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ये होता है कि वो एक नंबर तक चलेगा राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ सही है व्हिच मींस कि ये 3 पे जाएगा उसके बाद फिर 1 पे जाएगा अब 3 पे जाके रुक जाएगा बिकॉज़ दैट गाय हैज टू मेक श्योर कि वो वन सिग्निफिकेंट फिगर तक रहे तो 3 के बाद जो 1 है उस 1 को मैं जज कर रहा हूं बट नॉट 5 आई एम नॉट लुकिंग एट 5 आई एम लुकिंग एट 1 दैट टू सिग्निफिकेंट फिगर होता तो आप 5 को देखते टू सिग्निफिकेंट फिगर होता मैं 5 को देखता। अच्छा अच्छा सर आप सही है सही है भाई समझ में आ गया ये जी सर आप सही थे आप सही थे ठीक है सर। ऐसा एक और क्वेश्चन नहीं है इसी में तो थोड़ा सा क्लियर है आगे बहुत सारे क्वेश्चंस है भाई ये लीजिए। ऊपर वाला देखो क्या होगा ऊपर वाला हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 30 सही है
which is going to be 60 क्योंकि 8 1 4 1s are 4 हो जाएगा और 4 2s are 8 हो जाएगा तो ये 2 multiply 30 is going to be 60. अब जरा इस वाले पे आ जाइए. अच्छा देखिए अब ये equals to का साइन थोड़ा वेवी सा है. सही है, दैट साइन इज नॉट ड्रंक. अब उसमें गलत आ गया. Approximately equals to which means कि it is not exactly equal but it is round of something like that. सही है, इसका मतलब ये होता है, ये जो इक्वल्स टू साइन जो साइनोसॉइडल वेव बन रहा होता है ना, ये वेवी सा जो होता है वो इसलिए कहते हैं, उसको कहते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू. सही है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू बोल दो या अप्रोक्सीमेटेड टू बोल दो, कुछ भी बोल दो, बट दैट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू द आंसर दैट इज गोइंग टू कम आउट विद 8.21 डिवाइड बाय 3.97 मल्टीप्लाई बाय 31.59. उससे जो आंसर आएगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, 30 से ऊपर नीचे कहीं ना कहीं होगा. इट्स नॉट गोइंग टू बी ऊपर नीचे होगा तो लेग व्हाट इज द पॉइंट देन? इट इज द पॉइंट कि वो रफली आपको आइडिया दे रहा है कि वो वैल्यू कहां लाइक कर रही है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम इंटरेस्टेड, देखो सुनो सुनो, फॉर एग्जाम्पल आप गाय वगैरह लेने जाते हो, ठीक है, आपने गाय ले ली 80,000 रुपीज की, उसमें आपने 2,000 रुपए जो है वो ट्रक के लगाए आपने, सही है, तो ये 82,000 हो गया, फिर 3-4,000 रुपए आपने खाने के लगाए, तो यू विल एस्टिमेट दैट काउ टू कॉस्ट यू अराउंड 86-87,000, राइट? यस. तो अब आप उसको 86-87 नहीं बोलोगे, आप बोलोगे मैंने 90,000 तक की गाय ली है मैंने, ऐसे ही बोलोगे? अगर हमने प्रॉपर रिकॉर्ड रखा है देन व्हाई आर वी एस्टिमेशन ना, प्रॉपर रिकॉर्ड रखा हो आपके भाई, लाइक सर लाइक ये जो कांसेप्ट है अगर एक सदी या दो सदी पहले होता तब तक ये रेलेवेंट था, लेकिन अभी ये रेलेवेंट सा लगता है कांसेप्ट, तब इतनी एक्सेसिबल कैलकुलेटर्स नहीं थे, दैट इज व्हाट माय पॉइंट इज. नहीं देखो दिस इज बेसिकली जस्ट फॉर दैट, जब एग्जाम में क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा हो पर आंसर लिखना हो तो यू कैन जस्ट डू समथिंग लाइक दिस. When scientists are up to some research, उनके पास बहुत सारी different equations होती हैं. जैसे नीचे देखो, F equals to m लिखा हुआ आ रहा है आपके पास. ये एक simple case की equation है. इस तरह की बहुत difficult equations होती हैं. तो scientists are only able क्या? Okay, scientists are only able to judge कि भाई उसका answer जो है वो किस order में आएगा. किस order मतलब 10 to the power में क्या answer आना चाहिए. सही है, scientific notation जिसे बोलते हैं हम लोग. ठीक है, उसकी एस्टिमेशन के थ्रू साइंटिस्ट ये बोलते हैं, चलो अच्छा अगर इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा आता है तो इसका मतलब ये है कि अगर इसको राउंड ऑफ कर लें, इसका ये हिसाब किताब कर लें, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, इसको चलो थोड़ा सा राउंड ऑफ करके देख लेते हैं कि क्या बनता है. देयरफॉर आंसर जो है वो इस ब्रैकेट में लाया करेगा, इस रेंज में लाया करेगा, तो उसके लिए एस्टिमेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ओके, समझ में आ गई? सर ये साइन वाला समझ में नहीं आया था, ये जो अजीब सा हुआ है ना साइन. बेटा ये अजीब सा साइन होने का मतलब ये है कि ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, मतलब ये कि अप्रोक्सीमेटेड आंसर जो आ रहा है वो इसके बराबर ही है, बस दैट्स इट. इट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल, बस कहने का मतलब ये है. जी जी सर. अब देखो सेकंड इक्वेशन, देखो सेकंड इक्वेशन, देखो हां सर ये समझ में आ गई. सेकंड इक्वेशन सारे लोग पढ़े जल्दी से. सर ये भी आ गई समझ. सर इसमें पढ़ ली 24.02 लिखा हुआ है ना, तो उसने 2 के बाद 4 को देखा, ऐसी हुआ है ना? नहीं, उसने बोला वन सिग्निफिकेंट फिगर ना, तो 24 की 2 के बाद 4 को देखा है हमने. जी मैंने यही बोला सर, मैंने यही बोला. जी जी, तो उसको 20 कर देगा क्योंकि वो 5 से छोटा है. क्या सुन रहे? पता नहीं क्या चल रहा है.
कौन है भाई, क्या चल रहा है? कुछ तो है ऐसे बेटा, नहीं करो अगर आप कर रहे हो। अच्छा बहरहाल यहाँ तक समझ में आया ये क्वेश्चन? यस यस सर। ओके अब ये देखिए कि इसके अंदर अगर आपका आंसर 6 × 20 नहीं होता है, अप्रोक्सीमेटेड आंसर नहीं होता, तो ये 120 भी आंसर अप्रोक्सीमेटली नहीं आता, ठीक है? तो इसका आंसर क्या आता है? 5.87 × 24.02, सही है? तो एग्जैक्ट इसका आंसर क्या आता है आपको मैं समझाता हूँ अभी। देखो इसका एग्जैक्ट आंसर आता 5.87 × 24.02, इसका आंसर आता एग्जैक्टली आंसर इसका आता 140.99। अब देखिए 120 और 140.99 में कितना डिफरेंस है, लेकिन यू आर नियरर टू दैट वैल्यू। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही अलग हो गए, आपने 2 लिख दिया आंसर, नहीं, सही है? यू आर अप्रोक्सीमेटली नियर टू दैट आंसर। ये बात समझ में आई? यस यस सर। डिफरेंस बिटवीन 120 एंड 141। हाँ इस तरह से कर सकते हैं। तो हमारा एग्जामिनर नीचे ये नहीं लिखेगा कि आपने एस्टिमेटेड चीज तो हमें दे दी, पर चाइल्ड कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन 120 एंड 141? नहीं नहीं नहीं, इस तरह से नहीं देगा। एग्जामिनर इज ओनली गोइंग टू लुक एट योर अप्रोक्सीमेटेड आंसर एंड इफ दोस इम्प्लीमेंटेशंस आर करेक्ट और नॉट, कि मतलब आपने 24 को आपने 20 लिखा है या 25 लिख दिया या 29 लिख दिया, सही है? सही समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा जरा एग्जांपल नंबर 3 करें जल्दी से, उसका फिर आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। डन, 3 भी हो गई। रुक जाओ ना, पढ़ने दो। जल्दी से देखें फिर मैं बता दूं आपको। सर ये 6.3 कैसे आया? 6.3 इस तरह से आया कि 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, सही है? 36 और 49 में कितना कितना डिफरेंस है? 36 से 40 कितना दूर है? 4, 4, सही है? अब और 40 से 49 कितना दूर है? 9, सही? जी। अच्छा और इसका मतलब हुआ कि आंसर जो है वो 6 से थोड़ा सा करीब होगा क्योंकि 7 से थोड़ा सा दूर हो चुका है। तो ऐसे तो हम 6.4 भी लिख सकते हैं। जी 6.5 से पहले पहले आप कुछ भी लिख सकते हैं। सर ये क्या, ये समझ में नहीं आया। देखो अजमीर, इसका आंसर हम 40 किस तरह से ले रहे हैं, क्योंकि 6 का 36 होता है और स्क्वायर को स्क्वायर रूट काटता है, तो ये तो समझ में आ गई बात, सही है? अब मैं ये कह रहा हूं कि 6 का आंसर बन रहा है 36, जो कि है 4 वैल्यूज दूर है, सही है? 40 जो है 36 से 40 तक 4 का डिफरेंस है। सिमिलरली 40 से 49 तक का 9 का डिफरेंस है। तो अब इसका आंसर आप बताइए 6 के करीब होना चाहिए या 7 के करीब होना चाहिए? बस अब आप ये देखिए कि 4 वैल्यूज दूर होने का मतलब ये है कि 4/6 की वैल्यू क्या होती है, आप बताइए। कौन, मैं सर? मतलब जी मैंने आपको ये समझाया था ना, मैंने वो फ्रैक्शन समझाए थे ना, 4/6 क्या होता है? 2/3, ऐसा ही है जी सर, 0.6 होता है। तो 0.66 वगैरह होता है जी सर। तो इस तरह से आप इसको क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर ही चल रही है बात, तो आपने इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। जो 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा जी सर। तो आप 2 से थोड़ा सा एक नंबर आगे बढ़ा दें, 3। बढ़ा दिया सर। यही है, यही है भाई, यही है, सही है? देखो यू कैन राइट 6.3, 6.4, 6.5 एज वेल, बस 6.5 से आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि जब आप 6.5 से आगे बढ़ेंगे तो आप 7 के एरिया में जंप इन करेंगे। 6.2 लिख सकते हैं जी? जी लिख सकते हैं, मैं ये तो कह रहा हूँ। सही है, सही 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 है। देखिए मैं आपको बताता हूँ 6.2 का स्क्वायर करते हैं क्या आंसर आता है। 6.2
2 × 6.2 देखिए इसका आंसर आता है 38.44 सही है, और 6.3 × 6.3 का आंसर क्या आता है 39.69 सही है, 6.3 का आंसर आता है 39.69 इट इज नियरर टू 40। अब 6.4 देखते हैं क्या आता है, उसका आंसर आ रहा है 40.96। तो यू कैन इवन राइट एनी ऑफ दीज आंसर्स, 6.3 लिखते हैं या 6.4 लिखते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 6.3 बेहतर है क्योंकि वो 40 से पहले है, सही है जी सर। अब आ जाओ जरा क्वेश्चंस पे, आ जाएं जल्दी से फटाफट। इसका देखिए आंसर क्या है, अच्छा इनको भी वन सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है सही है, इसका मतलब है कि ये हो जाएगा 9 सही है, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा, अच्छा ये इसका आंसर ना 4 से स्टार्ट होगा, 4-2 है ना ये, तो जाएगा 0.004 हो जाएगा, ये तो 0.04 हो जाएगा सही है, और ये हो जाएगा 10 ठीक है। आई गिव यू द हिंट, ये समझ में नहीं आया 10 कैसे हो गया, 10 इसलिए होगा ना कि बेटा 1 देखा, 1 के बाद 1 आ रहा है, अब 1 को 0 करना है तो 10 हो जाएगा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर का राउंड ऑफ करना है ना, 9 हो जाएगा 7 हो जाएगा 40, 10 प्लस 7 अपना 13 हो जाएगा अपॉन 13 नहीं 9 प्लस 7 अपॉन 0.4 हो जाएगा, ये देखें 9 हो गया ये 7 हो गया ये 0.4 हो गया, लेकिन 9 प्लस 7 अपॉन 0.4 तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 0.4। अब एक डेसिमल इसका यहां से हटाया तो एक जीरो यहां लगा देते हैं, ये तो पता ही है ना बात, देखिए एक डेसिमल इसने शिफ्ट करा यहां आगे तो इसने ऊपर एक जीरो लगा दिया, ये सबको पता है ना, यस सर। वरीशा आपको पता है, वरीशा आपको पता है ये आ गया सर, आ गया मलाइका आपको पता है जी सर, ये तो पता है बट 0.042 0.04 कैसे हुआ? अच्छा देखिए इस तरह से हुआ क्योंकि ये 0.042 था, तो जितने भी जीरोस पहले आ रहे होते हैं ना नंबर से पहले और नंबर के बाद, वो सारे जीरो जो है ना इनसिग्निफिकेंट होता है, मतलब हम लोगों को देखते ही नहीं है, हमारा जो एक्चुअल नंबर या एक्चुअल सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्ट होगा वो 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो इफ आई हैव टू लुक एट द वन सिग्निफिकेंट फिगर तो 4 के बाद वाला नंबर देख लूंगा कौन सा है, 2 है छोटा है तो उसको जीरो कर दूंगा, तो आपका आंसर बनेगा 0.040। अच्छा वो बराबर वाला 11 से 10 हुआ था वो एक बार समझे, देखें वो 11 था ना तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर था करना था, तो 11 का 1 के बाद 1 दोबारा से आ रहा है तो 1 के बाद हम उसको 1 को 0 कर देंगे। अच्छा सही है सर, समझ आ गया, समझ आ गया सही है जी सर, आ गए सारे लोग जी सर, फाइल से आपके समझ में आ गया जी सर, जी सर आ गया बेहतरीन जी सर, समझ आ गया। अब जरा ये वाला क्वेश्चन कीजिए, ये भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक का है, डन सर, सर 27/3 अभी 27/3 एक सेकेंड मैं इसका आंसर बता देता हूँ 30/3 सर, 10 आया मेरा 30/3 एंड आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, ये क्या प्रॉब्लम है, चले से ये भी बस कितने 34/3 आया, अच्छा नहीं हाँ यही है 30/3 देखो भाई सब लोग देखो ये आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा जी सर, ओके बाकी लोग बताइए जी सर, यही आंसर यही आंसर आ रहा है, ओके कूल बाकी जी सर यही आ रहा है ठीक है जी सर, यही आ जी सर यही आ रहा है ठीक है सर, अल्लाह का शुक्र मेरा भी यही आ रहा है। अच्छा ये अल्लाह का शुक्र कौन है नहीं सर 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 ये 57.3360 कैसे हुआ, अरे अल्लाह का शुक्र मैं मुशाम, देखिए 5 के बाद 7 देखा उसने तो 5 के बाद 7 7 क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा और 1 ऐड हो जाएगा इधर तो ये 60 हो जाएगा,
57 वाले अंकल 60 हो जाएंगे। सर एक बात बताएं। जी जी सर। क्या सर नहीं समझ आया। सर ये हमने पॉइंट से पहले वाला जो नंबर था उसको राउंड ऑफ किया है, पॉइंट के बाद वाला, पॉइंट से पहले वाला किया है ना? पहले वाले को राउंड ऑफ किया है। 57 का जो 5 है, 5 के बाद जो 7 है, जी सर सही है, 7 को राउंड ऑफ करने है, वो 5 से बड़ा कर दिया। सही है सही, 7 5 से बड़ा है तो वो राउंड ऑफ हो जाएगा 7 60। सही है सही सही सही। 39 बन गया 30, 8.6 बन गया 9, 5.5 बन गया 6, दैट्स इट। ओके अगर यहाँ पे 54 होता तो 50 हो जाता, सेट है। ठीक है सर, अभी और क्वेश्चन करेंगे। जी 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 अभी और क्वेश्चन करेंगे, अभी हम आउट ऑफ टाइम हो रहे हैं, लेकिन चले एक और आठ क्वेश्चन ब्रेक मिलेगा हमें एग्जैक्टली 10 मिनट का। जी अब ब्रेक देंगे ना सर 10 मिनट का? हाँ अभी 8 मिनट है, लेकिन आप ज्यादा क्वेश्चन कर लें जल्दी से। I've given you the answer as well. देख लो क्या आंसर बन रहा है। देखो अब यहाँ से स्टार्ट करो। James want to buy 5 pencils and 3 pencils. 5 pen and 3 pencils. The pen cost 1.89 and the pencil cost 45p. सही है? सर 1p में कितने होते हैं? मतलब ये जो भी है करेंसी है। 0.5. 1p में क्या आंसर दे दिया आपने? सॉरी। जी देखो इसने कुछ नहीं करा, आप इसकी हेडिंग बनाओ, हेडिंग बनाओ, पेंस की हेडिंग बनाओगे, पेंसिल्स की हेडिंग बनाओगे, सही है? उसके बाद इनकी सबकी प्राइसेस लिख दोगे, जो जो एक्चुअल इनकी प्राइसेस हैं। ठीक खैरियत तो है, आप ठीक तो है? सर मुझे लगा ये नाश्ता किया था, हालात नासाज लग रहे हैं आपके। कौन बोला? इसकी तबीयत खराब हुई भी है, आप जानते नहीं? अच्छा हाँ सर इसको बहुत पता है। अच्छा चलो सही है, अभी ये क्वेश्चंस कर लो जल्दी से। यू गाइस आर लाइक 6 मिनट्स लेफ्ट, जल्दी से क्वेश्चन करो, मैं मुझे बताओ क्या सीन है, इसका आंसर आता नहीं आता सर? समझाएं तो क्वेश्चन। देखो आगे आंसर, देखो 5 पेन है और 3 पेंसिल्स है, राइट? जी सर। और पेन की कॉस्ट कितनी है? 1.89, तो 1.89 को राउंड ऑफ कर लो, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा वो। वन सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करेंगे तो। जी सर। तो अब 2 रुपए का एक पेन है एंड आई हैव टू बाय 5 पेंस, तो कितने पैसे हो गए? 10 हो गए। 10 रुपए, 10 रुपए। सही है। और ये 45 पेनीज है, सही है? तो अब इसके अंदर ये देखो 0.45 pounds, ऐसा ही है? जी सर। अब 0.45 के अंदर 4 के बाद क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, तो उसको 0.5 कर देंगे हम। सर अच्छा खासा 45 लिखा, उसको जरूरी है राउंड ऑफ करना? जी 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 जरूरी है ना मेरे भाई, राउंड ऑफ नहीं करोगे तो एग्जैक्ट आंसर लेते हुए चलो फिर। हाँ ये भी है, गॉट माय पॉइंट? जी जी सर आगे आगे। अब 0.5 का एक पेंसिल हो गई है और एक पेंसिल को मल्टीप्लाई 3 करते क्या हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। जी सर। 10 रुपए पहले थे और 1.5 ये अब बाद में होगा, तो ये कितने हो गए? 11.5, 11.5 रुपए। सही है? देखा सर, दिमाग चेक करें आप, 11.5 रुपए। यहाँ तक बात समझ में आ गई भाई? अब जी सर। अब जरा इसको सॉल्व कर लो, फाइंड एस्टिमेटर ऑफ 98। ये वाला तो आसान है, देखो 98 जो है वो 91 आता है, 81 आता है, 9 9s are 81 और 10 10s are 100 आता है, तो ये 100 से थोड़ा सा पहले होगा, तो ये तरह से ये राउंड ऑफ नहीं होगा। हाँ चलो इसको राउंड ऑफ कर ले, ये राउंड ऑफ हो जाएगा, ये 100 हो गया, 100 के बाद इसका 10 आंसर आ गया 9.3, ये राउंड ऑफ हो गया।
10 आंसर आ गया। देखा सर, दिमाग चेक करें आप। वो वन सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर राउंड ऑफ करो तो 100 बन जाता है। ये देखिए ये 100 बन गया सर। छोड़े आप, दिमाग चेक करें। देखा मैंने कहा राउंड ऑफ करें, 100 100 का आ गया। ठीक है, 100 बन गया। 100 को अंडर रूट कीजिए, क्या आता है? 10। सही है। सर पिछले वाले में हमने चुनी राउंड ऑफ किया था। और कुछ रह गया सर? बोले क्या हुआ भाई? सर जो उससे पहले क्वेश्चन था उसमें हमने राउंड ऑफ क्यों नहीं किया? वो जो इसी तरह मेरे समझ में नहीं आया। ऊपर वाले में आपने वो 9.1 9.2 9.3 ऐसे करवाया, अब इसमें ये 10 पे गया। अच्छा अब इसके अंदर ये देखो, इसके अंदर ये देखो, वो जो आप अजमीर आप जो बोल रहे हो ना, वो 40 जो लिखा हुआ था वो ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ हुआ हुआ था। सही है, उसपे मैंने उसके आंसर के अंदर राउंड ऑफ करा। इसके अंदर राउंड ऑफ मैंने क्वेश्चन भी पढ़ लिया ताकि मेरा आंसर जल्दी से आ जाए। यू कैन गो बोथ वेज, इधर यू कैन राउंड ऑफ द क्वेश्चन एंड देन यू कैन राउंड ऑफ द आंसर एज वेल। सही है, व्हिच इज इजीियर, वो हम लोगों को टेक्निक सीखनी होती है, बस दैट्स इट। आपकी आवाज कट रही है कुछ। ओके ओके, आपकी आवाज देखो, मैं कह रहा हूँ कि आपको राउंड ऑफ करना होता है इधर द क्वेश्चन और द आंसर दैट इज कमिंग आउट ऑफ द क्वेश्चन। सही है, सो इन दिस केस आई हैव राउंडेड ऑफ द क्वेश्चन एज वेल। इंस्टेड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स द आंसर एंड इट्स राउंडिंग, मैंने क्वेश्चन को राउंड ऑफ कर लिया टू मेक माई अंडरस्टैंडिंग टू मेक माई कैलकुलेशन मच इजियर। And if we don't want to do this estimation and if we just want to round it off to like 9.3 or something and just write that answer, is that going to be wrong? That's not going to be wrong, but that's not going to be an approachable, yeah, smartly approachable method. That's not going to be the smartly approachable method. Right, okay. Sahi hai? Yahan tak baat samajh mein aa gayi? Sabko aa gayi samajh? Nahi sir, ek minute, ek minute, ek. सर दिमाग थोड़ा सा फंक्शन कर रहा है, रुक जाए रुक जाए। सर आपने जो वो 40 वाला कराया था ना, ऐसी जो ये ब्रैकेट में लिखा, वो ब्रैकेट बोल रहा हूँ यार, ये अंडर रूट में लिखा हुआ था, ये नहीं आया सर, ये समझ में नहीं आया, दोबारा ऊपर से आए सर समझाने। देखो मेरे पास सिर्फ 1.5 मिनट रह गया है और मैं ये कह रहा हूँ टाइम एक्सटेंड कर दें थोड़ा सा। बेटा एक्सटेंड के लिए वो उसका प्रीमियम लाइसेंस चाहिए होता है। देखो मैं ये कह रहा हूँ, अब ये किसने किया, जरा जल्दी से सही कर दो भाई। सर OS का नेट चला गया तो वो नहीं आ सकता। ओके अच्छा देखो, सर ये कौन ड्राइंग कर रहा है? बेटा नहीं करो, मतलब मैंने आप लोगों को लिखा दोबारा इस चीज की, तो आप लोग जरा उछले कूदे नहीं। सही है, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि इस वाले क्वेश्चन में ये ऑलरेडी राउंडेड ऑफ था, इसलिए मैंने इसका चेक किया कि स्क्वायर्स के आंसर्स क्या बन रहे हैं। जी सर। और फिर इसमें से मैंने 6.5 से पहले पहले जो मैं लिख सकता हूँ वो मैंने लिख के चेक कर लिया। जी सर। सही है, इस जी सर। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास ऑटोमेटिकली जो है ना, ये इंसान राउंड ऑफ नहीं था तो मैंने उसको राउंड ऑफ किया, उसके बाद मैंने इसको आंसर ले आया। समझ में आ गई? समझ में आ गई? आपकी आवाज सर गायब हो गए। ओके नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने जो नेक्स्ट